नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा से नशे की बुराई को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर प्रदेश व्यापी नशा मुक्त हरियाणा अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने 5 मई को अपने जन्मदिन पर संत समाज के साथ शुरू किए गए नशा मुक्ति के संकल्प को मात्र 51 दिनों में ही धरातल पर उतार दिया। नशा मुक्ति अभियान को प्रभावी बनाने के लिए नई टास्क फोर्स भी बनाई जाएगी ताकि नशे पर पूरी तरह से रोक लग सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत सरकार के साथ संत समाज सहयोगात्मक तरीके से नशा पीड़ितों को जागरूक कर उन्हें समाज में मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे और नागरिकों को भी नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताएंगे ताकि कोई व्यक्ति नशे का आधीन न बन सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिन का सही उद्देश्य तभी सफल होगा जब हम मिलकर एक अभियान चलाएं और इस अभियान को समाज हित में लागू करें। उन्होंने आह्वान किया कि नशे की समस्या को दूर करने के लिए संजनों के माध्यम से समाज के अंदर हर व्यक्ति हर संस्था अपनी भूमिका निभाए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी जिसमें सभी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, सरकार के प्रतिनिधि और पुलिस अधिकारी तथा संबंधित विभागों के प्रतिनिधि इस टास्क फोर्स का भी हिस्सा लेंगे और सभी लोग आपसी समन्वय स्थापित कर पूरे प्रदेश में अभियान चलाएंगे। उन्होंने बताया कि दवाओं की अवैध बिक्री को रोकने हेतु मोबाइल ऐप साथी बनाया है, अपराधी गतिविधियों के डेटाबेस के लिए सॉफ्टवेयर हॉक विकसित किया है और पंचकुला में अंतर राज्य ड्रग सचिवालय की स्थापना की गई है। इसके अलावा राज्य सरकार जन जागृति के लिए विशेष जागरूकता अभियान चला रही है। इसके लिए ग्राम से राज्य स्तर तक मिशन टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि समय समय पर संत समाज से भी आह्वान किया गया है कि जिन क्षेत्रों में समस्याएं हैं वहां लोगों के बीच में जाएं और मार्गदर्शन कर उन्हें नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि मन में आत्मबल, साहस और शक्ति हो तो नशा या कोई भी समस्या को दूर किया जा सकता है और उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा मेडिटेशन या योग साधना को भी जीवन का महत्वपूर्ण अंग बनाकर नशे की समस्या पर रोक लगाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण की सुरक्षा, जल संरक्षण और नशा मुक्ति अभियान ये सभी सामाजिक अभियान हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नशे के फैलने में या फैलाने में देश विरोधी ताकतें भी शामिल होती हैं। नशे के आदान प्रदान में पैसे का बहुत बड़ा रोल होता है। ज्यादा धन कमाने के लिए व्यक्ति ऐसे कामों में शिफ्ट हो जाता है, इससे भी हमें सावधान रहना चाहिए। इसलिए नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। बता दें कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा में बड़ी अच्छी पहल हुई है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जो नशा मुक्त होगा। मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनों से हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए शुरू की गई पहल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने और अन्य लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में उपस्थित जनों ने भी नशा मुक्ति के लिए विचार साझा किए। सभी सज्जन वृंद जो सामने बैठे हैं, मंच पर आदरणीय संत समाज बैठा है, मैं तो अंत में वक्ता के नाते नहीं बल्कि ये कहूं कि इस अभियान का श्री गणेश करने का जो संकल्प सब लोगों ने लिया है और जो आज के कार्यक्रम की रूपरेखा सब बनी है, इसका धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं। क्योंकि कार्यक्रम का आह्वान तो मैंने संत समाज के सामने 5 मई को कर दिया था। मुझे भी उस दिन लगा था कि कभी मैंने जीवन में जन्मदिन मनाया नहीं था, लेकिन हमारे साथियों ने इस बार कहा कि नहीं नहीं जन्मदिन मनाना है हमको। किसी को पता भी नहीं था कि 5 मई कब आई कब गई, सब चलता रहता। हमने कहा ठीक है, फिर इस दिन को कोई एक अच्छे काम की शुरुआत करनी है तो संत समाज के सामने 2 विषय रखे थे। एक विषय था जल संरक्षण और जल का सदुपयोग, उसका बचाव, ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है। और ऐसे ही दूसरा विषय था नशा मुक्ति का अभियान हरियाणा में हम सब मिलकर चलाएं। तो मुझे प्रसन्नता इस बात की कि आप लोगों ने उसमें अपनी सहमति दी थी और ये कहा था कि हम अपनी कोई योजना बनाएंगे और फिर किसी दिन इसके ऊपर विचार करेंगे। आज संयोग से 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधक दिवस सारे न केवल देश में बल्कि दुनिया में मनाया जा रहा है। 1987 में सबसे पहले दुनिया में यह संकल्प लिया गया था कि धीरे धीरे जो नशा बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि नशा पहले नहीं होता होगा,
लेकिन सामान्य जन की आदत जब बनती है तो ये एक दुर्गुण बनता है। इसको ठीक करने के लिए इस नशा के विरुद्ध अभियान लेना चाहिए, तो इस दिवस की कल्पना की गई। और उस दिन से हर वर्ष दुनिया में कार्यक्रम होते हैं। कभी भी कोई दिवस मनाना होता तो एक सामान्य कार्यक्रम होता है, सेमिनार होता है, फोटो खींचता, अखबारों में छपता, मैगजीन में छपता, टीवी में आता है और इतिशी कर ली जाती है। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, जिस पर्पज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए ये दिन की स्मृति बनाई गई है, इस दिन से हम एक अभियान चलाए और इस अभियान को समाज हित में, समाज की सुरक्षा का ही एक मामला है ये। जैसे हम हर चीज की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, तो सुरक्षा केवल लॉर्ड ऑर्डर को ठीक रखना ये सुरक्षा ऐसा नहीं है। क्राइम से क्राइम ना करे वो सुरक्षा ऐसा नहीं है। हमारे ऊपर कोई अपराध के नाते से हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई वार करे, हम अपने आप को बचाव करें, सुरक्षा नहीं है। जीवन की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा ये बहुत बड़े विषय होते हैं। तो सामाजिक सुरक्षा के भाव से आज हम अभियान शुरू कर रहे हैं। और आज से मैं तो अपनी ओर से आह्वान करता हूं संतजनों के माध्यम से, समाज के अंदर हर व्यक्ति, हर संस्था अपनी भूमिका निभाए। उसमें जन जागरण का काम भी है, पुलिस द्वारा उसमें थोड़ा, जो लोग इस विषय को, इसका उपयोग अपने अपने स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए वो करते हैं, ऐसी जो सप्लाई चेन होती है उसका एक निरोधात्मक काम भी करना है। इन सब बातों को लेकर के आज हम सब एकत्र हुए और मुझे खुशी है आज के दिन संतों ने, एनजीओज ने, बहुत से ऐसे डी एडिक्शन सेंटर्स हैं उनके लोग भी आए हैं, बहुत सी खापों के लोग भी आए हैं, बहुत लोगों को समय, उनकी इच्छा भी थी और हमारी ओर से भी इच्छा लगता कि वो बोलते तो कुछ ना कोई प्रेरणा मिलती। संस्थाएं बहुत ही आई हैं, सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन पंचकुला की आई हैं, कावड़ सभा पंचकुला, ब्राह्मण सभा पंचकुला, केमिस्ट एसोसिएशन पंचकुला, सर्व कल्याण मंच, सरपंच, एनजीओ, बहुत सी खापें। क्योंकि हमने बहुत लोगों को कहा कि जो एरिया प्रभावित है, खास करके सिरसा से लेकर अम्बाला तक, जो बताया इधर यमुनानगर भी, पंचकुला, ये सारे क्षेत्र में जो प्रभाव ज्यादा है इसका, तो वहां से सब संस्थाओं को बुलाया है और बहुत संस्थाएं, बहुत खापें लगी हुई भी हैं। कल भी एक खाप का मैं समाचार पढ़ रहा था कि लगभग 250 लोग उनके इकट्ठे हुए, उन्होंने दो बातें बहुत अच्छी कही। एक तो इस नशा मुक्ति के लिए समाज को, हमको जागृत करना होगा, सरकार कर पाए ना कर पाए लेकिन समाज को जागृत करना होगा। ये बात ठीक है, सरकार साधन उपलब्ध करा सकती है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब दे सकती है, सहयोग कर सकती है योजनाओं में, लेकिन जागरण का काम सामाजिक काम ही कर सकते हैं, सामाजिक लोग ही कर सकते हैं। राजनीतिक लोगों को तो ये कहा जाता है कि इनका सेवा का या जागरण का इनका क्या मतलब, इनका मतलब तो वोट से होता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम में भले ही मुझे एक भूमिका निभाने के लिए कहा गया होगा, लेकिन कतई भी इसमें वोट का किसी प्रकार का कोई विषय दूर दराज तक नहीं है। ये सामाजिक अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान हो, पर्यावरण की सुरक्षा ये अभियान हो, जल बचाने की सुरक्षा ये अभियान हो, नशा मुक्ति ये अभियान हो, इन अभियानों से समाज को जागृत करना, समाज की यानी भविष्य की चिंता ये की जाती है। तो इसलिए आज का ये जो कार्यक्रम किया गया है इसके अंदर शुरुआत है। इस शुरुआत को हर व्यक्ति के जीवन में, जीवनचर्या के अंदर ये एक विचार, ये इसका प्रभुत्व ये आए, इसके लिए हमको काम करना है। और मैं तो ये कहूँगा कि इस काम को शुरू करते समय जैसा बताया कि एक हम टास्क फोर्स ये बनाएंगे जिसमें सभी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, कुछ सरकारी भी लोग उसमें रहेंगे, एकाध पुलिस का व्यक्ति भी उसमें हम रखेंगे, डिपार्टमेंट्स के नाते से, जैसे विभाग मैंने बताया, स्वास्थ्य विभाग, सेवा विभाग, ये भी उसमें रहेंगे, और एक समन्वय बैठा करके पूरे प्रदेश में इसका अभियान चलाया जाए। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी।